बिसमिल्ल रन रही महमदिन सल् वसल्लम वेलकम टू तो द बायोलिश वर्ल्ड जी व्यूअर्स हम लोगों ने इंग्लिश क्लास फ़ाइव की बुक का पहला चैप्टर मुकम्मल कर लिया है उसकी दो वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ हमारा फ़र्स्ट चैप्टर था पेशेंस तो उसकी एक वीडियो पे ट्रांसलेशन है और एक वीडियो पे एक्सरसाइज है और बहुत शुक्रिया आप सब ने बहुत हौसला अफज़ाई की आज हम बढ़ने जा रहे हैं हमारे सेकंड यूनिट पर और उसका नाम है बी ग्रेटफुल अल्लाह का शुक्रगज़ार रहना चाहिए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ये चैप्टर हमें अल्लाह के दी गई नेमतों का शुक्र अदा करने के बारे में है कि हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है उसने हमें देखने के लिए आँखें मतलब एक इतनी ख़ूबसूरत दुनिया को उसने बनाया तो हमें देखने के लिए उसने आँखें ताफर माईं मुख्तलफ़ अनवाह की चीज़ें बनाईं तो उन्हें खाने के लिए हमें दांत दिए मुंह दिया के लिए ज़ुबान दी सूंघने के लिए नाक दिया काम करने के लिए हाथ दिए चलने के लिए पाँव दिए एक पूरा स्ट्रक्चर हमें अल्लाह ने अदा किया हम उसके हमेशा शिक्र गुज़ार रहें और हमें रहना चाहिए शिक्र गुज़ारी के मुतालिक है कि हम किस तरह उसका शुक्र अदा करें अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं बिसमर लईन शकर तुम लाजीदन कि तुम मेरा जितना शुक्र अदा करोगे मैं तुम्हें और दूँगा तो हर हाल में हमें चाहिए कि हम अल्लाह के शुक्र गुज़ार बंदे बन जाएं। तो आज के इस चैप्टर में हम लोगों ने पोइम पढ़नी है उसमें मुख्तलिफ किस्म की राय हैं हम उस पोइम को बड़े ही टेक्निकल अंदाज में देखेंगे उसमें देखेंगे कि किस तरीके से उसे अदा किया गया फिर हम उसके आ, मुख्तलिफ ऑस्पेक्ट्स को देखेंगे कि उसमें कहा क्या जा रहा है तो व्यूवर्स आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है द बाइबलिश वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मौसू होते रहें तो चलते हैं व्यूवर्स हमारे लेक्चर की तरफ तो सबसे पहले देखिए गेटिंग स्टार्टेड में लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट द नेम्स ऑफ द गिवन ब्लैसिंग्स इन द बॉक्सिस ब्लो यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी गई हैं और हमने उनके नेम्स बताने जी फर्स्ट बॉक्स में देखें एप्पल बहुत फ़वाद हैं इसके ये अल्लाह ताला की नेमत है हमारे लिए फिर है जी पाइन एपल, फिर स्ट्रॉबेरी बनाना पियर नाशपाती व्यूअर्स ये वो नेमते हैं जिन्हें हम रोज़मर्रा खाते रहते हैं लेकिन इन नेमतों का हमें शुक्र गुज़ार भी होना चाहिए कि अल्लाह पाक ने मुख्तलिफ इकसाम के फल दिए अगर एक फल होता तो हम तो बेजार हो जाते उस एक फल को खा खा कर लेकिन अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मौसमों के साथ मुख्तलिफ फल अता फ़रमाए हैं तो हमें जब भी हम कोई भी चीज़ खाएँ तो हमें उसका शुक्रगज़ार होना चाहिए उसके बाद देखें जी फिर वेजिटेबल्स में देखें तो टमाटोज़ हैं जी पोटैटोज़ टमाटर आलू कैरेट गाजर है जी ब्रिंजल्स हैं जी और उसके बाद है जी कैप्सिकम शिमला मिर्च तो ये सब्जियों में और फ्रूट में फलों में हमने देखा कुछ चीज़ें थी अब हमें बेसिकली तो इसमें यही कहा गया था कि आपने पिक्चर्स को देखना है और उनके नाम जो हैं वो नाम बताने हैं कि ये कौन कौन सी नमतें हैं जो अल्लाह ने हमें अता की, तो वो तो हमने बता दिया लेकिन इसके पीछे एक और मैसेज है वो ये मैसेज है कि हमें हमारे चैप्टर का जो नाम है कि हमें आ, यूनिट का नाम है कि हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए तो व्यूअर्स अब हम आगे बढ़ते हैं लेट्स टॉक अब आपसे आपके इसाम ये सवालत करेंगे जो हम यहाँ पर भी कर रहे हैं वॉट इज़ योर फेवरेट फ्रूट एंड वेजिटेबल तो बच्चों वैसे तो सब फेवरेट हैं हमारे हमें बहुत ही अच्छे लगते हैं हम उन्हें खाते रहते हैं लेकिन कुछ ऐसा होता है जो हमें बहुत ही पसंद होता है फलों में भी और सब्जियों में भी तो आपने अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ पर बताना है तो आप अपनी क्लासरूम में अपने सजा कराम को तो बताएंगे लेकिन आप मुझे भी, भी बता सकते हैं और वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका पसंदीदा फल और सब्जी कौन सी है सेकेंड है इट डिस्क्राइब वाई यू लाइक इट द मोस्ट अब आपको पसंद तो है लेकिन आप उसे इतना ज़्यादा आपको सबसे ज़्यादा वो पसंद क्यों है उसकी वजह बताएं कोई ये ख़ासियत बताएं कि आप उसे इतना ज़्यादा यानि फल को या सब्जी को इतना ज़्यादा पसंद क्यों करते हैं कैन यू एक्सप्लेन द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ़ द चूज़न फ्रूट और वेजिटेबल अब न्यूट्रिशन होती है जी इसमें कितने प्रोटीनस हैं कितने कैलरीज हैं ये अब आपने पता करने हैं ये आपकी असाइनमेंट होगी कि इस जो चीज़ आपको पसंद है उसमें कौन कौन से न्यूट्रिशन है वो आप बताएं फिर है जी इमेजिन वॉट लाइफ वुड बी लाइक इफ़ दीज ब्लैसिंग्स वर नॉट क्रिएटेड बाई अल्लाबहान हु वाली अब एक इमेजिनेशन करनी है हमने कि फ़र्ज़ करें कि हाँ जिंदगी कैसे होती अगर ये जो अल्लाह ने नमतें ने बनाई हैं ये अगर ना होती तो जिंदगी कैसी होती इसका आपने जवाब देना है फिर है जी नेम अ फ्यू मोर नेचुरल थिंग्स विदाउट विच लाइफ इज नॉट पॉसिबल मजीद कुछ चीजें बतानी हैं जिसके बगैर जिंदगी का वजूद मुमकिन नहीं है जैसे कि एयर ऑक्सीजन वाटर ये वो बेसिक्स हैं जिनके बगैर जिंदगी का वजूद नामुमकिन है जी अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर जी नेक्स्ट हमारी एक पोइम है जी अल्लाह लव्स मी अच्छा आप ये देखें कि हमने पिछले चैप्टर में एक चैप्टर पढ़ा था पेशेंस और एक चैप्टर नहीं बल्कि एक पोइम है जिसका नाम है अल्लाह लव्स मी ये बहुत ही प्यारा टाइटल है इस पोइम का जिसे लिखा है फातमा मेहरू ने आ, शायरा हमें बताती हैं इस पोइम में कि अल्लाह उनसे किस तरह मोहब्बत करता है और उन्होंने इतनी ख़ूबसूरती के साथ इस नज़म को लिखा ताकि पढ़ने वाला जो है वो भी ये समझ जाए कि अल्लाह उससे कितनी मोहब्बत फ़रमाता है ये चीज़ हमें मालूम है कि अल्लाह ताला अपने इंसान को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है एक माँ जो है ना वो अपने बच्चे को बहुत मोहब्बत करती है अल्लाह सुबहान व सत्तर माओ से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो इस नज़म में भी शायरा हमें ये बता रही हैं कि अल्लाह ताली उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं इसमें अगर हम प्री रीडिंग को देखें तो बच्चों देखें जी लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द टाइटल ऑफ द लेसन इस लेसन का टाइटल सबसे पहले आपने देखना है और सोचना है कि अल्लाह ताला कहां कहां पर हमसे मोहब्बत करते हैं अल्लाह ताला तो हमारे इंसान के सबसे ज़्यादा करीब है वो हमारी दुआओं को सुनता है उसके बाद है जी गेस्ट फाइव वर्ड्स रिलेटेड टू इट अल्लाह लफ्ज़ मी से मुतल पाँच अल्फाज आपने बताने हैं फिर है जी नेम सम ब्लैसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहान तला अल्ला ताला दी गई नेमतों में से कुछ नेमतों का जिक्र करना है अगर हम इस पेज पे देखें ना तो बच्चों आपको नज़र आ रहे होंगे वो क्लाउड्स ये बहुत बड़ी नेमत है बारिश बरसाते हैं उसके बाद ये आपको ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं जी इनका बहुत बड़ा काम है ये भी अल्लाह की नेमत हैं भाई उसके बाद ऊपर देखें तो स्काय आसमान है ये बहुत बड़ी नेमत है यहाँ पर पानी है ग्रास ये हमारे इस टाइटल पेज पर ही हमें बहुत सारी अल्लाह की नेमतें जो हैं वो मिल रही हैं अच्छा जी अब हम अपने इस पोइम का आगाज़ करते हैं फातमा महरू जो हैं उन्होंने इस नज़म को लिखा तो नज़म शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा सा हिस्ट्री के फातमा महरू जो हैं ये एक यंग पोइट हैं बहुत छोटी उम्र में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया 2009 से और इन ये इंग्लिश उर्दू और पंजाबी में शायरी करती हैं लिखती हैं तो उनकी ये बहुत ही खूबसूरत पोइम है जिसे हम अब पढ़ने जा रहे हैं इस पॉइम को बच्चों अब कुछ अहम बातें हैं जो आपने समझनी हैं इस पोइम को चार रबाइयों में उन्होंने लिखा है रबाई बोलते हैं चार सत्रों पर मुश्तमिल एक बंद एक स्टैंडा अच्छा अब रबाई को अंग्रेज़ी में क्वाट्रेन कहते हैं क्यू यू ए टी आर ए आई एन क्वाट्रेन ठीक है तो अब आप इसे क्वार्रेन कहें ठीक है इसे स्टेंजा कह देंगे तो भी ठीक है अच्छा बच्चों एक पोइम के अंदर तो बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं जो पोइट्री में छुपे होते हैं इनके सरफेस मीनिंग्स होते हैं जो हमें बजा नज़र आते हैं और हिडन मीनिंग्स होते हैं बिटवीन द लाइंस के शायरा क्या कहना चाह रही हैं तो सबसे पहले हम इनके पहले बंद को पहले स्टैंडा को पढ़ते हैं ये आई जो है ना आई ये सब के लिए इस्तेमाल हुआ है कि पढ़ने वाला जो भी होगा वो इसे अपने लिए समझेगा अपना इसे कहकर पुकारेगा ये सब के लिए है तमाम मर्द और ख़वातीन सब के लिए बच्चों के लिए ठीक है जी आई सी यू अब यू में देखें तो वाई कैपिटल है अच्छा जी अब बच्चों यहाँ पर एक चीज़ समझनी है आपने कि हम क्या करते हैं दरमियान में सिवाय प्रॉपर नाउन के प्रॉपर नाउन को उर्दू में कहते हैं इसमें मारफा बग़ैर प्रॉपर नाउन के हम कोई भी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल नहीं लिखते लेकिन यहाँ पर यू लिखा गया है यू प्रॉपर नाउन नहीं है यू प्रो है और हमने देखा कि शायरा जो हैं पोइट जो हैं उन्होंने इसे वाई कैपिटल से लिखा है तो हमने ये समझना है कि ये सुबहान वाल के लिए लिखा गया तो यहां पर शायरा जो है वो कहती हैं आई सी यू इन सितारों में देखती हूं तो अगर हम ये समझ लें कि वो रात के वक्त आसमान को देख रही हैं तो वो कहती हैं कि मैं अल्लाह आपको सितारों में देखती हूं वन द नाइट ग्लोज विद स्पार्क जब रात चमकती है एक रोशनी के साथ चिंगारी के साथ अब रात जो है ना बिल्कुल अंधेरा है लेकिन उस अंधेरे के बीच अल्लाह ने क्या किया सितारे रख लिए उन अंधेरे के बीच अल्लाह ने चांद रख दिए तो वो कहती है कि जब मैं अब यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि यहां पर अंधेरे से मुराद रात से मुराद परेशानियां हैं मुसीबतें हैं जिसके लिए Uh, मतलब हर कोई परेशान होता है यहाँ पर शायरा भी परेशान हैं तो वो कहती हैं कि जब हर मुसीबत हो हर गम हो हर तकलीफ़ हो तो मैं तुझे देखती हूँ तो रात में जिस तरह सितारे चांद रोशनी का काम करते हैं शायरा कहती है कि मेरी तारीख़ ज़िंदगी में मेरी परेशान ज़िंदगी में अल्लाह तेरी मौजूदगी मुझे बेसहारा नहीं करती तेरा वजूद तेरी मौजूदगी मुझे तन्हा नहीं करती मैं तुझे हर परेशानी में देखती हूँ वेन in the air, स्वे इन दवे कहते हैं झूलना जब दरख्त हवा से झूलते हैं मतलब दरख्त जो हैं हवा चलने पर हिलते हैं झूलते हैं तो मैं उस दरख्त के झूलने में भी तेरी कुदरत को देखती हूँ मैं तुझे वैसा समझती हूँ एंड बर्ड्स इन्जॉय share, और परिंदे जो हैं वो लुफानंदोज होते हैं अपने हिस्से के काम से अब अपने हिस्से का काम क्या है अपना शेर उनका परिंदों का शेर क्या है वो उन दरख्तों पर बैठ कर हैं तो इंसान जितना भी परेशान क्यों ना हो आपको पता है कि जब वो नेचर के करीब जाता है दरख्तों को देखता है दरख्तों पर बैठे हुए परिंदों को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है उसकी उदासी उसकी गमी इख्तिताम पजीर हो जाती है अच्छा जी अब बच्चों एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि इस पोइम को इस नज़म को शायरा ने लिखा है पोइट फीमेल पोइट है तो फ़ीमेल पोइट जो होती है ना व्यूवर्स उनके अंदाज में मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाना है कि जैसे कि वो ये कहना चाह रही इसलिए मैं फ़ीमेल वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं मैं देखती हूं ठीक हो गया तो अब यहाँ पर अगर आप मेल स्टूडेंट हैं तो आप भी यही समझेंगे कि शायरा ये कहती हैं ठीक हो गया तो पहली रबाई में पहले बंद में शायरा जो है वो अल्लाह से मोहब्बत का इजहार कर रही हैं कि अल्लाह जो है वो हर जगह पर है मेरी खुशी में है मेरी गम है मैं उसे हर जगह पर देखती हूँ सितारों में देखती हूँ मैं उसे दरख्तों के झूलने में देखती हूँ और परिंदों के चहचहाने जह में देखती हूँ दूसरे स्टेंजा पर आते हैं वेन द फ्लावर्स ब्लूम इन a क्यू एक तो इस आ, स्टेंजा में जो पहली लाइन है वो हमें एक लेसन दे रही है कि हम इंसान अक्लमंद होकर शूर रखने के बावजूद कतार में नहीं चलते कतार का ख्याल नहीं करते आप बच्चों ट्रैफिक देखते हैं तो बेहंगम ट्रैफिक है हमें हर चीज़ पता भी है लेकिन यहाँ पर देखें शायरा कहती हैं कि फूल जो हैं उन्हें मैं खिलता हुआ देखती हूँ कतारों में एक एकमिट्री के अंदर एक कतार में फूल खिले हुए हैं एंड स्लीप एट नाइट विद ड्यू ड्यू शबनम को कहते हैं ड्यू ड्रॉप्स ये रात के वक्त शबनम पड़ती है बच्चों उसे ड्यू ड्रॉप्स कहते हैं सुबह को अगर आप किसी पार्क में जाएं अपने ग्रासी प्लॉट में जाएं तो आप देखेंगे आपके पाओ गीले हो जाएंगे उसकी वजह क्या है कि रात को ओस पड़ती है उर्दू में इसे ओस कहते हैं अंग्रेजी में इसे ड्यू बोलते हैं शबनम जिसे कहा जाता है तो वो यहाँ पर कहती है कि ये पौधे जो हैं ये रात को सोते हैं सुबह को खिलते हैं और खिलते किस की वजह से हैं शबनम की वजह से एक प्रोसेस है वैन आई नीड अ लॉट ऑफ केयर जब मुझे ज़्यादा हिफाजत की परवाह की ज़रूरत होती है आई फील योर प्रेजेंस देयर अब यहाँ पर नोट करें बच्चों फिर योर आर आए योर क्या है वाई कैपिटल मतलब ये कि अल्लाह तआला के लिए यह इस्तेमाल हुआ आई फील योर प्रेजेंस प्रेजेंस मौजूदगी को कहते हैं देयर वहाँ यानी कि जब भी मुझे परेशानी का सामना करना पड़ता है मैं परेशान होती हूँ मैं उदास होती हूँ मुझे वहां पर या बारी ताला अल्लाह सुबहाना हुआ त आपकी मौजूदगी महसूस करती हूं मेरे दुख मेरी परेशानियां फौरन खत्म हो जाती हैं। अब यहां पर आपने नोट करना है कि ये यह यहां पर एक पोर्शन है जी वाइल रीडिंग विच क्वालिटी ऑफ अल्लाह सुबहान इज़ डिस्कस्ड इन द सेकेंड सेंजा ऑफ द पोएम तो बच्चों हमने अभी सेकंड सेंजा किया तो इस सेकेंड सेंजा में देखिए कि अल्लाह ताला की कौन सी खूबी को ख़ासियत को बयान किया गया है जी हमारी सेकंड स्टैंडा के लास्ट लाइन में ये प्रेजेंस मौजूदगी कि अल्लाह व हुआ हर जगह पर मौजूद है जब भी कोई परेशान होता है तो वो यही महसूस करे कि वो अकेला नहीं अल्लाह सुबहाना व त उसके साथ हैं वो अच्छा एक चीज़ बच्चों जहन में रखिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता मफहूम है मतलब ये कि उसके ऊपर कोई परेशानी अगर आती है तो वो ऐसी है कि वो उसे निबट लेगा वो उस परेशानी से निकल जाएगा ठीक हो गया चले नेक्स्ट स्टेंजा पढ़ते हैं हम डू हेल्प मी इन माई डीड्स वो जो डीड्स कहते हैं काम मेरे कामों में मेरी मदद कीजिए आई स्माइल ओ वन आई वीप जी मैं मुस्कुराती हूं या जब मैं रोती हूँ अब यहां मुस्कुराने से क्या मुराद है खुशी कि जब भी मैं खुश होती हूं वेन आई वीप और जब भी मैं रोती हूँ इन दोनों हालतों में अल्लाह सुबहान मेरी मदद फरमाता है एंड नो वन एल्स कैन हियर आप जरा गौर फरमा लीजिए इंसान जो है ना जो सामने होगा वही हमारी बात सुनेगा जबकि अल्लाह सुबहान व तआला हर वक्त हमारे पास मौजूद है तो वो कहते हैं कि कोई और नहीं सुन सकता सिवाय अल्लाह ताला के व्हेन आई बिटरली शेड माई टीयर्स जब मैं बिटरली बच्चों जारो कतार शेड बहाती हूँ माई टीयर्स अपने आंसू जब मैं जारो का तार अपने आंसू बहाती हूँ तो कोई और नहीं सिवाय अल्लाह अल्लाबहत के जो मेरे उन आंसुओं को सुन लेता है ठीक है जी अब इस स्टेंजा में बच्चों शायरा जो हैं पोइट जो हैं हमारी वो बताना चाह रही हैं कि हम बाज़त परेशानी में अकेले रो पड़ते हैं लेकिन किसी को नहीं पता होता सिवाय अल्लाह सुबहान के क्योंकि वो अलीम है वो खबीर है वो समी है वो अलीम है वो सब जानता है वो सब सुनता है फिर बच्चों लास्ट स्टेंजा है उसमें वो क्या कहती हैं हमारी शायरा नन अदर कैन सपोर्ट माय स्माइल कोई और नहीं जो सहारा करे सहारा बने मेरी खुशियों का कोई नहीं है शायरा का फर्म बिलीव है हम सब का यही यकीन होना चाहिए कि कोई और नहीं है जो हमारी खुशियों का सहारा बने हमें खुशियां दे सिर्फ खुशियाँ अता करने वाली अल्लाह सुबहान मुबारक है आई हैव जजड इट फा ऑफ माइल्स जज कहते हैं परखना पर यहाँ पर शायरा कहती हैं फ़ा ऑफ बहुत दूर माइल्स कई अरसे से इसके अब बहुत पहलू हैं कि मैंने बहुत कोशिशें की हैं बहुत बार इसे परखा है देखा है कि कोई भी मेरी खुशी का सहारा नहीं बन सकता सिवाय अल्लाह सुबहान ताली की अब यहां पर दुआ करती हैं इस बंद की आखिरी दो लाइंस बहुत अहम है इन लाइटन प्लीज माई को कोर बच्चों हार्ट बातन अंदर इन लाइटन रोशन सीना भी कह सकते हैं आप मेरा सीना रोशन कर दे इल्तजा कर रही हैं शायरा इन लाइटन प्लीज मेहरबानी करके ये जैसे हम दुआ करते हैं ना ये दुआ है यार बारी ताला मेरे अंदर को मेरे सीने को रोशन कर दे ऐसे हम कहते हैं ना रबी इल्मा अल्लाह मुझे इल्म, वाफिर इल्म अता फ़रमा ये दुआ है तो यहाँ पर भी शायरा दुआ कर रही हैं कि मेरे अंदर को रोशन कर दे तो बच्चों ये दुआ बड़ी ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए इस दुआ का पढ़ना इंतहाई ज़रूरी है कि मेरे अंदर को रोशन कर दे ओ जस्ट लव मी मोर जस्ट बस लव मी मोर मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा मज़द मोहब्बत फरमा तो बच्चों अल्लाह की मोहब्बत हमें कैसे हासिल होगी जब हम नेक आमाल करेंगे जब हम उसके बताए हुए अहकाम पर अमल करेंगे तब हमें अल्लाह की कुर्ब, अल्लाह की मोहब्बत हासिल होगी अल्लाह के नेक बंदों को अल्लाह की मोहब्बत क्यों हासिल हुई कि वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम पर अमल करते थे अल्लाह तला ने जो अम्बिया कराम मबूस फरमाए उनकी अतात करते थे तो अब हम पर लाजिम है कि हम नबीजीन ख़ातिमबी जी सल्ला वसल्लम की अतात करें क्योंकि उन्होंने अल्लाह व तआला का पैगाम ही हम तक पहुँचाया उन्होंने जो बताया कि झूठ नहीं बोलना बड़ों की खिदमत करनी है इसाम की इज़्ज़त करनी है छोटों पर शफकत करनी है मेहनत करनी है दयानतदारी करनी है ठीक है जी नमाज़ अदा करनी है दीन के तमाम रुकन पूरे करने हैं इन सब चीज़ों पर अमल करके ही कामयाबी है तो जब हम इन सब चीज़ों पर अमल करेंगे तो तब ही अल्लाह हमसे मजीद मोहब्बत करेगा ठीक हो गया बच्चों फातिमा महरू हैं इनकी पोइट जिन्होंने ये लिखा अब है जी पोइम पढ़ने के बाद हमने क्या करना है जी हाउ डू यू शो योर लव फॉर अल्लाह सुबहान आप अल्लाह सुबहाना व से अपनी मोहब्बत का इजहार कैसे कर सकते हैं डिस्कस डिफरेंट वेज मुख्तलिफ तरीकों से बता बयान कीजिए तो यही है कि अल्लाह ताला के बताए हुए अहकाम पर अमल करना और वो अहकाम हमें कैसे पता लगे नबी आखिर हज़रत महमद मुस्तफ़ा अहमद मुशतफ़ा सरदुल्ला वल वसम के ज़रिए से हमें पता लगा कि अल्लाह ताला के क्या अहकाम हैं तो हम उन अहकाम पर अमल करके अल्लाह ताली से अपनी मोहब्बत का इजहार कर सकते हैं अल्लाह तरमाते हैं कि जब कोई ये चाहे कि मैं उससे कलाम करूँ तो वो कुरान पाक पढ़े और जब कोई मुझसे कलाम करना चाहे तो वो नमाज अदा करे सूर सी बात है हम नमाज पढ़ें हम कुरान पाक पढ़ें अल्लाह हमसे कलाम फरमाएंगे हम उनसे कलाम फरमाएंगे राइट अ नोट ऑन द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह सुबहान काउंटलेस हैं जी ब्लैसिंग्स ये सांस लेना एक बहुत बड़ी नमत है हमारे अंदर लंग्स हैं फिल्टर कर रहे हैं ऑक्सीजन पहुंचा रहे हैं हमें गर्दो गुबार हमारा सारा ख़त्म हो रहा है ठीक है जी ये बहुत बड़ी नेमत है पानी पीना खाना इतने मुख्तलिफ इकसाम के खाने हमें अता ने फ़रमाए हैं उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं हम काउंटलेस हैं उनमें से आप पुत्र बच्चों बेटा जी आपने मेरे बेटों ने मेरी बेटियों ने यह क्या करना है जी अपनी तरफ से जितने भी आप लिख सकते हैं उन ब्लैसिंग्स को जो अल्लाह सुबहाना हुआ तम पर हैं वो आप चंद एक उनमें से बयान कर सकते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के इस लेक्चर की अच्छे से समझ आई होगी इसका जो एक्सरसाइज है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसकी वीडियो मैं इंशाल्लाह बना दूंगा। अगर आपको आज के इस लेक्चर की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए अपना ख्याल रखें खुश रहें खुशियाँ बांटें अल्लाह हाफिजो नासिर